राजनीतिक शोर शराबे और आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर बात अब उपवास और अनशन तक पहुंच गई है। बीते सोमवार को उपवास पर बैठे राहुल गांधी के ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किरकिरी करा दी। दिल्ली के राजघाट पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुए उपवास का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इससे पहले राजधानी के बड़े कांग्रेसी नेताओं के एक रेस्तरां में छोले भटूरे का लुत्फ उठाते कुछ फोटो वायरल हो गई। अब कांग्रेस ने किया तो भाजपा कहां शांत बैठने वाली थी, तो भाजपा ने भी उपवास पर बैठने का फैसला कर लिया और मुद्दा उठाया कि विपक्ष के द्वारा सदन की कार्यवाही न चलने देने से परेशान होकर सत्ताधारी भाजपा भी अनशन पर बैठी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ उपवास कर रहे हैं और पूरे देश में भाजपा के सांसद और नेता भी अनशन पर बैठे हैं। इसी के चलते आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मोहसिन रजा के साथ नोएडा से विधायक पंकज सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता अनशन पर मौजूद रहे। यूं तो गुरुवार को भाजपा सांसद व नेताओं का अनशन पहले से ही तय था, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से रखे जाने वाले उपवास का महत्व कुछ खास हो गया। देश दीपक त्रिपाठी, जनमन टीवी, लखनऊ।